लेके आई हूँ वो है एंटी एजिंग सेरम या फिर कह सकते हो एंटी एजिंग जेल और क्रीम। बेसिकली ये है हिबिस्कस फ्लावर्स, जिसे कहते हैं हिंदी में गुड़हल का फूल या और बंगाली में जवा फूल। ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। ये सिर्फ हमारे हेयर्स के लिए नहीं, हमारे फेस और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी जो दो पॉइंट्स आपने सुने हेल्थ एंड हेयर्स, ये मैं आपको किसी और ब्लॉग्स में कवर अप करूंगी। फिलहाल आज का टॉपिक है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। बेसिकली आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हिबिस्कस फ्लावर से आप अपने घर में ही कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आप बना सकते हो एक नेचुरल DIY एंटी सेरम या फिर एंटी एजिंग क्रीम, जो कि बहुत ही इजी है, जेल फॉर्म में होगी और बहुत ही गुणकारी है। बेसिकली हिबिस्कस का काम होता है हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को दूर करने का। एंटी एजिंग के टाइम हमारे स्किन में रिंकल्स आना स्टार्ट होती है, फाइन लाइंस आ जाती है, तो बेसिकली फाइन लाइंस और रिंकल्स को आने से ये रोकता है। इसके प्रयोग से, नियमित प्रयोग से आप देखोगे कि आपकी ये जो एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है। इनफैक्ट आपको यंगर लुकिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसका डेली इस्तेमाल करो, अपने फेस पे पैक लगाओ हफ्ते में 2 से 3 बार, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी झाइयाँ जा रही है, साथ ही साथ आपकी जो एक्ने प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी जा रही है। इसमें एक ऐसा नेचुरल एसिड होता है जिसके कारण ये आपके फेस से फाइन लाइंस, रिंकल्स इनको तो दूर करता है, साथ ही साथ आपको यंगर लुक देने में भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले देखते हैं कि हम किस तरीके से DIY अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी बस एक हिबिस्कस फ्लावर से, और बाजार से आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हिबिस्कस की फ्लावर्स के बेनिफिट्स पता चले, साथ ही साथ इसे किस तरीके से हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सब कुछ पता चले। तो इस तरीके की सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने स्वीट स्वीट कमेंट्स कमेंट सेक्शन में भर दो, कैसा लगा वीडियो, सब कुछ, एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस तरीके से एक फ्लावर ले लेंगे, हिबिस्कस फ्लावर, और इस पोर्शन को यहाँ से निकाल के फेंक देंगे और इसे मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर। देन आपको मिक्सर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हैंड भी इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे इस तरीके से आपको कूट लेना है अच्छे से। बेसिकली हमें इसका जो रस होता है वो निकाल लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है और अब मैं इसका एक जूस जो होता है उसे निकाल लूँगी। लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालना है थोड़ा एलोवेरा। आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे मैं VLCC का एलोवेरा ले रही हूँ। ये देखो, जितना भी एलोवेरा जेल इसमें था मैंने सारे के सारे निकाल लिए। अब मैं इसमें से इसका जो रस है उसे निकालूंगी। थोड़ा सा ये पल्प मैं इसमें डालने वाली हूं। अब मुझे इसमें डालना है एक गुलाब जल। गुलाब जल डालने के कारण ये कि इसकी जो लॉन्जिविटी है वो काफ़ी दिनों तक रहेगी। और इसमें मैं डाल लूँगी गुलाब जल, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको केसर सूट करता है तो आप इसमें केसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसमें केसर इस्तेमाल करने वाली हूँ, थोड़े से स्प्रिंग्स इसमें डालने वाली हूँ, जस्ट इतने। और लास्ट जो है मैं एक टूथपिक्स के हेल्प से इसे घुमा लूंगी अच्छे से। दोस्तों जैसे कि इसमें मैंने गुलाब जल डाला है, गुलाब जल डालने के कारण इसकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर इसमें आप पानी मिलाते हो
तो इसे ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते हो। तो आप चाहे तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो, लेकिन बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे बाहर रखिए, जैसे कि इसमें गुलाब जल मिलाया हुआ है। गुलाब जल डालने के कारण इसकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ गई है, तो ये खराब नहीं होगा। और ख़राब होने के डर से कई बार हम लोग इसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं, और रेफ्रिजरेट करने से आप विंटर में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब ये रेडी हो गया है, आप किसी भी समर किसी भी सीजन में इसे इस्तेमाल कर सकते हो, समर हो, विंटर हो या रेनी, एनी सीजन। तो फाइनली आप देख सकते हो, इसे आपको क्या करना है, आपको नाइट में इस्तेमाल करना है और सो जाना है। देन तो दोस्तों ये बन गया है मेरा जेल, आप देख सकते हो एंटी एजिंग जेल। बेसिकली मैं आपको बता दूं इसे करना क्या है। अब आपको एक कंटेनर में ट्रांसफर करना है, एक मिरर के कंटेनर हो या प्लास्टिक के कंटेनर में हो, जैसे आपकी खुशी, आपको जो भी अवेलेबल हो आप डाल लीजिए और इसे रख लीजिए। 1 मंथ तक इसे आप इजिली बाहर आराम से रख सकते हो, और इसका एवरी डे इसे प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। बेस्ट होगा अगर आप इसका जूस निकाल लेते हो, अगर आप हिबिस्कस का जूस निकाल लेते हो, उसे मिला लेते हो, तो क्या होगा आप इसे लगा के बाहर भी जा सकते हो। लेकिन नाइट में क्या होता है, हम घर पर रहते तो आप इसे इस वाले को घर पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर जूस निकाल लेते हो तो क्या होगा, इसका कलर जस्ट चेंज होगा, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, आप मेरे रिस्ट का कलर देख सकते हो उसको पेस्ट करते वक्त कैसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपना फेस वॉश करना है, देन अपने रिस्ट पे, अपने फेस पे आराम से इसे लगा लेना है जेंटली, और उसके बाद एक हल्का सा अच्छा सा मसाज कर लेना है रिस्ट के ऊपर। बेस्ट इस तरीके से आप इसे लगा के छो जाइए। इवन ये स्लिपिंग मार्क्स जैसा काम करता है। सो आप जब से मॉर्निंग में उठोगे अपने फेस को वॉश कर लीजिए, इवन वाटर से हो या फेस वॉश से, जैसे आप करते हो उसके बाद आप अपना रेगुलर रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप इसे 2 बार इस्तेमाल करते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है फाइन लाइन्स और रिंकल्स की, साथ ही साथ एक्ने प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे बहुत जल्दी चले जाएंगे। और इनफैक्ट आने में भी ये कंट्रोल करता है, ये आने में भी एक बैरियर रख देता है कि उनको आने भी नहीं देता है। और साथ ही साथ जो दाग रह जाते हैं काफ़ी वक्त, बहुत बुरे लगते हैं पिम्पल्स के, वो भी ये दूर करता है। इतनी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होती है, इसमें एक ऐसा नेचुरल एसिड होता है जिसके कारण आपके स्किन में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखता है। तो ये था मेरा आज का DIY आप सबके लिए। आपको कैसा लगा दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।